सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार अभाष ने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि मतलब मुझे तो हमेशा कैमरे के पीछे रहने की आदत है लेकिन वैसे भी बहुत डर लग रहा है नॉट एट ऑल सर यू बीन सो इंस्पायरिंग अभाष वैसे तो मतलब बहुत जर्नी लंबी रही है एक एक मतलब कुछ ऐसा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया या उनका कुछ ऐसा कर्म था कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि लोगों को अप्रिशिएट किया लोगों ने उसको बहुत सराहा तो उसी तरह से जब एक ऐसा समय था एक ऐसा युग था कि जहाँ पे हमको ये शो करना था जब ये मन में आया कि सुरों का एक क्रिएट किया जाए और तीन ऐसे दिग्गज जिन्होंने भारतीय संगीत की बुनियाद रखी है जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलब अगर भारतवर्ष को कहा जाए कि मतलब भारतीय म्यूज़िक भारतीय फिल्म संगीत म्यूज़िक को इन्होंने जन्म दिया है इन्होंने मतलब पूरी दुनिया तक मतलब पहुँचाया है अप्रिशिएट किया है तो किशोर कुमार मतलब अपनी आवाज़ अपनी जादू अपनी गायकी से पूरी दुनिया को जीता रफ़ी साहब को मतलब क्या मैं हूँ बोलूँ मैं क्या बताऊँ उनके बारे में पूरी दुनिया को मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ से अपनी सहनशीलता से अपनी तरह से अपने गुणों से अपने कर, कर्मों से मतलब जीत लिया और हमारे बीच में जीती जागती लता मंगेशकर जी <laughs> और कली मैं और जतिन जी गए थे मिलने के लिए क्या बात है। मिल तो नहीं पाए हम लोग उनसे लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक जितिन जी को लिख के भेजा जितिन जी ने बहुत कोशिश की बात करने के लिए और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब हम क्राउन करेंगे किशोरदा को रफ़ी साहब को लता जी को तो जितिन जी का ये था कि हम आपको आ करके पर्सनली क्राउन करें उन्होंने तो इस बात को स्वीकार किया है और जितिन जी हम सब पूरे तीनों जजेस मिल के जाएंगे उनसे आशीर्वाद लेंगे तो एक अद्भुत बहुत एक बहुत सुनहरा मौका हम सब के लिए काम करने के लिए और इस शो को बारे में मतलब जैसे बाकी शोज किए थे उसी तरह से मतलब ये था कि इसको क्रिएट किया जाए इसको बनाया जाए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सबसे बड़ी हमारी टीम की तो रही है लेकिन इन तीन जजेस की इनके बारे में मैं मैं क्या मेरी कोई औकात नहीं है बोलने के लिए आभास बाहरी साहब जब उनसे बात की जब उन्होंने अपने बात हमने उनसे सामने रखी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया मतलब किशोरदा को बफे साहब ने जिया है एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है एक ऐसा काम किया है इन लोगों ने जो मतलब कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता है जतिन जी और लता जी के बारे में क्या कहूँ मतलब इन लोगों ने मतलब कुछ ऐसे काम किए कुछ ऐसे किया है तो मैं सोचा कि जतिन जी से बेहतर कौन मतलब बता सकता है कौन जी सकता है और अपनी एक पर्सनल ट्यूनिंग थी जतिन जी के साथ काम करने की तो जतिन जी ने स्वीकार किया बात रह गई रफ़ी साहब के बारे में तो बहुत से मतलब सोचा बहुत विचार किया और हला इस्माइल जी ने मतलब कुछ काम नहीं किया था किशोर रफ़ी साहब के लिए लेकिन जो मुझे समझ में आया जो मुझे लगा कि इस व्यक्ति जितना खूबसूरत शानदार और इनकी जो एक साधुवाद तरीके का है जो बात करते हैं साधुवाद की जो बात ओरिजिनल करते हैं कभी कुछ जो मन में आता वही बात करते हैं अच्छा। तो मुझे लगता है कि और अपने इन्होंने संगीत से पूरी दुनिया को जोड़ा है तो इस्माइल जी ने स्वीकार किया मेरी बात और मतलब आप बता नहीं सकता हूँ कि इन जजेस ने किस तरह से मेरी बात मानी है किस डी पे करने के लिए स्वीकार करने के लिए ये देखिए फोन बज रहा है <laughs> तो अपने आप में कितना सहज बात है तो मैं इन तीनों लोगों का झुक करके मतलब प्रणाम करता हूँ सर आप लोगों का आप लोगों की वजह से इतना बड़ा सोच संभव हो पाया है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बपीदा मैं एक बात का कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी फोर्टी सेवन ईयर्स मैं काम कर रहा हूं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में किशोर कुमार जी लास्ट सॉन्ग आए थे मेरा साथ जिस दिन नेक्स्ट दिन उनका सर्गवास हुआ लेकिन मैं सोच नहीं सका जो आपका गजेंद्र जी आपका क्या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप जो आज पूरा दुनिया को आप दिखा रहे हैं जो किशोर कुमार लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब का ऐसे प्रोग्राम थैंक यू गजेंद्र जी फ्रॉम माई हार्ट आप दुनिया में आपका नाम आना चाहिए बुक में मैं तो देखा नहीं मैं भी अमेरिका जाते रहता हूँ आज थैंक यू जिना लोलो ब्रिगेडा से कब कम बहुत बड़े बड़े सिंगर आर्टिस्ट एक्ट्रेस थे लेकिन उनका नाम में कभी शो नहीं हुआ आप ही कर दिया थैंक यू वेरी मच एक ही नाम है सोरो का एक लव राइट धन्यवाद थैंक 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 यू 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 सो मच सर दादा मेरे पास तो शब्द नहीं है कि आप लोगों ने इसको तीनों मिलकर के इतना बड़ा बना दिया है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ या कुछ कहानी लग रही होगी लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो दादा लोगों ने मिल के शो को जिया है एक लगेगा कि इस समय में इस जगह पे भी एक बहुत नयापन लगेगा आपको प्राउड होगा फक्र होगा देख करके थैंक यू और मैं एक बात कहूँगा जतिन पंडित इस्माइल दरबार इतना सिंसियरली मैं भी बहुत शो किया दिल से उन लोग कर रहे हैं आपका शो हाँ, बिल्कुल मैं इस्माइल को जतिन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बस सो नाइस so nice, और जजेस और हम लोग तीनों मिल के ऐसा लगता है एक मंदिर में जो तुमने बोला बहुत अच्छी बात बोला जतिन ये लगता है टेंपल ऐसा नहीं लगता है कोई शो में आए आप तो सब शो क्रिएट किया <laughs>

वो कभी लाइफ में फेल नहीं होते धूप और छाँव तो जिंदगी में लगी पड़ी है वो तो ऊपर वाले ने वो नियम ही बनाया है मगर जिनको वरदान मिल जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और गच्ची ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया के सामने या आपको चढ़ा रहा हूँ मैं पीठ पीछे भी हमेशा कहता हूँ और ये सच है कि आपको भी एक ही बनाया है ऊपर वाले ने थैंक्यों थैंक्यों थैंक यू सर थैंक जी थैंक यू देखिए इतना अच्छा बबीदा ने बोला इस्माइल ने बोला देखिए जब रेवोल्यूशन होता है वो आदमी का पता चलता है जैसे किशोर दा आए थे तो हमको पता चल गया कि यार ये क्या सिंगर हैं जब आराधना से आए थे बच्चन साहब आए थे तो भी हमको पता चला कि यार क्या देखो ये एक्टर आया दिलीप साहब के बाद कोई आया था और इसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर में भी पंचम दा आए दा आए तो एक नया रंग लाए आप यकीन मानिए जब जब गजेंद्र सिंह जी कोई शो लाते हैं ना तो उसमें कुछ सोच जरूर लगती है कि ये सोच के कुछ आया है और वो सोच घूमते फिरते एक ऐसी बुनियाद को जाकर टकराई है कि मुझे इससे ज्यादा मजा आज तक कोई शो में नहीं आया बिलीव करिए इतनी ऑनेस्टी और इतनी प्योरिटी मैंने यहां देखी है और मैं इसका पूरा जो जो इनकी सोच है और जो भी जो लोग भी इसके साथ जुड़े हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मैं सॉरी कट कर रहा हूँ जतिन जी मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कल हम लोग गए थे लता जी से मिलने के लिए और जतिन जी का डिटर्मिनेशन इनका संकल्प इनका पूरा जो एक होता है कि नहीं मुझे मिलना है आए ऑफिस में हम लोग गए वहाँ पे वहाँ पे हमको कहा आधे घंटे बैठने के लिए फिर आधे घंटे के बाद हम लोग ऊपर गए और जतिन जी ने जिस तरह से बातें की जिस तरह से लगे अपने आप में जतिन जी एक लेजेंड हैं अपने आप में इन्होंने एक पूरा इतिहास लिखा है म्यूजिक को लेकर के तो उस व्यक्ति को देख करके इतना झुक करके इतना विनम्र होकर के ऐसी बातें कही और दीदी ने मतलब स्वीकार किया कि ठीक है आप आ करके हम आपको अपना जो भी आपकी सोच है जो भी कल्पना है आप पूरा कीजिएगा तो मुझे बहुत प्राउड हुआ जतिन जी

तीनों लीजेंड को डेडिकेट किया हम लोग तीनों कैप्टन हैं बट मैं देखिए ये तीनों का साथ बहुत काम किया किशोर कुमार जी रफी साहब ने बहुत सारा गाना गाया लता जी कम से कम मेरा 200 से ज़्यादा गाना गाए फ्रॉम माई चाइल्ड हुड द एज ऑफ फोर ईयर्स आई नो हर बिकॉज माई फादर और प्रिश उनके उनके साथ बहुत काम किया तो उनके लिए जो हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं ये शो में एक ब्यूटीफुल कंसेप्शन है ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा क्या दुनिया में हुआ ही नहीं मैं भी जाते रहता हूँ अमेरिका लंदन बट आज तक आ, बड़े बड़े लोग को जो पिलर है ये तीनों पिलर है लीजेंड नहीं है दे आर द पिलर ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री जिस जिस ढंग से ये शो हो रहे हैं आप लोग देखिए टी वन में देखिए शो सचमुच आप लोग को बहुत मजा आएगा क्यों इतना अच्छे आ, हाँ, इतना अच्छे सिंगर्स आया और जैसा मेरा घर में राहुल देव जैसा आपने सुना अभी अनुक्ष का लता जी का घर और भी सिंगर है और ये नए नए लड़की जो आई है लेडी रफ़ी मैं नाम दिया गिटार बजा के रफी साहब का गाना गाता है इज समथिंग न्यू पता न्यू जनरेशन तो बस मैं मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ दिस शो विल बी द सुपर हिट आप लोग देखिए जरूर सुरो का एक लव्य जो आप लोग डी डी वन में देखेंगे डी डी नेशनल में जरूर थैंक यू थैंक यू थैंक यू